सुल्तानपुर पंचायत समिति के ग्राम पंचायत अकरवाड़ा में मनरेगा श्रमिकों ने दिया धरना। मनरेगा में रोजगार की मांग को लेकर महिलाओं एवं पुरुषों ने दिया धरना। पंचायत प्रशासन व ग्राम पंचायत स्थानीय सरपंच के खिलाफ की नारेबाजी। ग्राम पंचायत सरपंच मुर्दाबाद के लगे नारे। विधायक प्रतिनिधि लोकेश पावता पहुँचे मौके पर। विधायक मीणा को करवाया अवगत। पिपलदा विधायक राम नारायण मीणा ने भी फोन पर पंचायत समिति विकास अधिकारी से की वार्ता। संबंधित अधिकारियों को समस्या समाधान के लिए दिए निर्देश। ग्राम पंचायत सरपंच महावीर गौतम की कार्यशैली से नाराज है मनरेगा के श्रमिक। सुबह 8 बजे से 1:30 तक नहीं पहुंचा एक भी जिम्मेदार अधिकारी। आज नहीं हुआ समाधान तो कल सुल्तानपुर पंचायत समिति के बाहर धरना देंगे मनरेगा श्रमिक। ताकरवाड़ा में इन मजदूरों को बिना किसी पूर्व नोटिस के आज नरेगा में कार्य नहीं करने दिया और यहाँ के जनप्रतिनिधि के माध्यम से इनको सूचित किया गया कि मनरेगा का कार्य आज बंद रहेगा। जबकि अगर ऐसा था तो इनको पूर्व में एक दिन पूर्व नोटिस चस्पा करना चाहिए था ताकि ये ग्रामीण 3-4 किलोमीटर नरेगा स्थल पर जहाँ नरेगा का कार्य चल रहा था वहाँ नहीं जाते। उसके बावजूद सुबह प्रातः लगभग 8 से 9 बजे के समय के बीच से ये महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर धरना देकर बैठी हैं। लेकिन अभी लगभग 3 से 4 घंटे बीत चुके हैं लेकिन कोई स्थानीय जनप्रतिनिधि या कोई प्रशासनिक अधिकारी इनकी सुध लेने अभी तक यहाँ नहीं आया है। इन सभी की यही मांग है कि आज का इनका जो समय खराब हुआ इसकी इनकी हाजिरी मनरेगा में लगाई जाए और आज का जो नरेगा का इनका मजदूरी है वो इनको दिया जाए और जो भी इनसे संबंधित यहाँ के ग्राम पंचायत के जो सरपंच साहब है ग्राम सेवक जी है वो आकर इनसे इनकी संभाल लें इनकी समस्या का समाधान करें। अभी मौजूदा रूप से यहाँ नहीं मतलब जो सरपंच है वो न ही ग्राम विकास अधिकारी मोदी यहाँ मौजूद है तो आगामी आपकी क्या प्रक्रिया रहेगी अगर मान लो अधिकारी यहाँ पर आपको संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं देते तो? देखिए सरपंच को भी जनता चुनती है। ग्राम सेवक प्रशासनिक अधिकारी है। जनता सरपंच चुन सकती है तो जनता विरोध भी कर सकती है। अगर इनकी समस्या का उचित समाधान नहीं हुआ तो जनता में भयंकर रोष व्याप्त है। जनता इसका विरोध करेगी जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मैं यहाँ मेरी माताजी पूर्व सरपंच थी और अभी मैं वर्तमान में पंचायत समिति का चुनाव भी लड़ा इस वार्ड नंबर 15 से तो मेरी भी जिम्मेवारी बनती है कि मैं इनके संघर्ष में इनका साथ दूँ तो ये मुझसे जो भी सहायता चाहते हैं मैं इनके साथ खड़ा हूँ और प्रशासन की और पंचायत की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी अगर इनका काम नहीं हुआ था। बात हुई तो इन्होंने बोला कि शाम को बारिश आने के कारण मस्टवल बंदी कर दी गई है और वहाँ पर जाने के रास्ते भी नहीं हैं। इसको मैं खुद देखने के लिए कोटा से सीधा ग्राम पंचायत में आया हूँ। 7 साइडें चल रही हैं यहाँ पे, 6 ड्रेन की चल रही है, 1 ग्रेवल रोड की साइड चल रही है। मैं खुद जाके उसका अभी 3 जनों की कमेटी बना के वहाँ जाके पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करके और कल से यथासंभव लेबर को लगा दिया जाएगा और जॉब कार्ड जिनके नहीं बने हैं वो एक खाली कागज़ पर मुझे लिख के दे दें हमारे जॉब कार्ड नहीं बने हैं उनके यथा प्रयास जल्दी से जल्दी जॉब कार्ड बना दिए जाएंगे। आपका नाम और पद? मेरा नाम है हितेश रावल, कनिष्ठ तकनीकी सहायक पंचायत समिति सुल्तानपुर। भवानी शंकर राठौर की रिपोर्ट।